हेलो फ्रेंड्स, मैं सुपटेल, आप सबका स्वागत करता हूँ इस टेक्निकल हाउस में। तो फ्रेंड्स, नए यूज़र्स के लिए यानी कि नए विजिटर्स के लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो बात करने वाले हो यही है कि हमारा जो टास्क बार आपको दिख रहा है, यहाँ जो डेट एंड टाइम आता है उसको कैसे हाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि काफ़ी सारे लोगों की मैंने कमेंट पड़ी हुई है जो दूसरे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल के रखे, वहाँ पे पड़ी हुई है कि एक्टिव विंडोज़ जो होता है फ्रेंड्स, उसको ये दिक्कत आती है कि वो हाइड नहीं कर पाते अपना डेट एंड टाइम। तो फ्रेंड्स, उसको कैसे करते हैं उसको लाइव प्रूफ के साथ मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स दिखा देता हूँ, उसको फॉलो उन्हीं लोगों को करना है जिनका विंडोज़ एक्टिव है, जिन्होंने विंडोज़ परचेस करके रखा है उन्हीं के लिए ये स्टेप मैंने दे के रखा है। बाकी सारे लोगों को मैं जो नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ उसको फॉलो करना है। तो पहले जिनको एक्टिव विंडो है उनको ये स्टेप फॉलो करना है। तो पहला स्टेप यही है, गो टू सेटिंग कीबोर्ड से शॉर्टकट की यही है कि विंडोज़ की प्लस आई प्रेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा, विंडोज़ की प्लस आई प्रेस कर रहा हूँ मेरा कीबोर्ड में से। तो ये देखिए, विंडोज़ मतलब इसका सेटिंग ओपन हो चुका है। फिर सेकंड वाला जो स्टेप है वो ये है, गो टू पर्सनलाइजेशन, राइट फ्रेंड्स। तो अब यहाँ हमारा पर्सनलाइजेशन दिख रहा है, वहाँ पे चले जाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जिनको एक्टिव विंडोज़ नहीं है वो भी ये वीडियो देखिएगा, उसको डायरेक्ट स्किप मत कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर तीसरा वाला स्टेप ये है कि गो टू टास्क बार। तो ये देखिए, टास्क बार आपको मिल रहा है, वहाँ पे चले जाना है सिंपल सा। अब फोर्थ नंबर का स्टेप ये है कि गो टू नोटिफिकेशन एरिया एंड चूज टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ, राइट फ्रेंड्स। मतलब यहाँ से हमें वो नोटिफिकेशन एरिया को फाइंड करना है। तो ये देखिए, नोटिफिकेशन एरिया मुझे यहाँ मिल रहा है और वहाँ से हमें टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ करना है। लेकिन मेरा विंडोज़ अभी एक्टिव नहीं है इसलिए मुझे ये फैसिलिटी यूज़ नहीं मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हो कि यू नीड टू एक्टिव विंडोज़ बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर पीसी। मतलब हमें पीसी को यूज़ पर्सनलाइज करने के लिए विंडोज़ को एक्टिव करना पड़ेगा, राइट फ्रेंड्स। अब ये तो बात हो चुकी जिनका विंडोज़ एक्टिव है उसकी। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं बात कर दूँ कि जिनका विंडोज़ एक्टिव नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इसको एक्सेस लेने के लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत यही है कि फाइंड अ सेटिंग लिखा हुआ है वहाँ पे हमें ए मैसेज टाइप करना है, या फिर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। लेकिन मैं रिक्वायर करूँगा कि आप टाइप करोगे तो अच्छा रहेगा, क्या है ना, आपको सजेशन में मिल ही जाएगा। ये देखिए, टर्न सिस्टम, मैं इतना लिखता हूँ तो यहाँ देखिए टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ मिल रहा है, वहाँ पे सिंपल सा प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमें पूरी की पूरी एक्सेसिबिलिटी मिल चुकी है। तो यहाँ देखिए क्लॉक लिखा हुआ है, वही है हमारा डेट एंड टाइम का ऑप्शन। अब मैं यहाँ ऑन है वहाँ पे ऑफ कर दूंगा तो अपने आप चला जाएगा, देख सकते हो कि हाइड हो चुका है। यदि वापस ऑन कर देता हूँ तो वापस आ जाता है, राइट फ्रेंड्स। तो मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ, राइट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद है, और ये मैं सारे के सारे स्टेप्स है वो मेरी ब्लॉगिंग साइट पर रख दूंगा technicalhousetech.com पर, राइट फ्रेंड्स। जाइए विजिट कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती रहेगी और हमारी चैनल पे भी ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना पड़े वो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी कर दीजिएगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।